वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो आप लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ये सिंपल सा एक मेकअप लुक है, आप डे में नाइट में भी कैरी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा हेवी आई मेकअप पसंद नहीं हो तो आप ये वाला लुक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और ये वाला मेकअप लुक मुझे क्रिएट करने के लिए 5-6 प्रोडक्ट ही मैंने यूज़ किया है और सबका प्राइस 300 से 400 समथिंग। सो आप लोग इजीली उसको बाय भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो ज़्यादा बात ना करके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही मैं शुरू कर रही हूँ अपना आईब्रो से। आईब्रो के लिए मैं इधर यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का एक आईब्रो पैलेट। और मैं मेकअप करने से पहले अपना स्किन केयर अच्छे से किया है। आप लोग भी आपका स्किन टाइप जो भी है उसके हिसाब से मेकअप से पहले आपका स्किन केयर अच्छे से कर लीजिए, इससे मेकअप अच्छा होता है। तो अभी मैं फर्स्ट अपना आईब्रो को कॉम कर लिया था, उसके बाद मेरा आईब्रो बहुत ही ज़्यादा थिक है तो मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं किया। तो उसके बाद मैं जस्ट उसको आईब्रो को फिल किया, करने के बाद फिर से कॉम किया। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलन का एक फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन। मुझे ये फाउंडेशन पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़्यादातर यही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपना आईब्रो को शार्प कर रही हूँ। और आईब्रो कैसे ड्रॉ करते इसके ऊपर आप लोग अगर एक ट्यूटोरियल चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं अलग से आईब्रो के ऊपर एक वीडियो लाऊंगी। तो अभी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अपना जो फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है वो उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मैं सेम फाउंडेशन अपने फेस पे भी अप्लाई करूँगी एज ए बेस। और ये जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन से परचेस किया था, तो इसके लिए सॉरी। जब मैं ये फाउंडेशन ऑफलाइन से लिया था तब इसका प्राइस कुछ 350। ये सिंगल भी मिलता है और पैलेट भी मिलता है। मैं सिंगल सिर्फ एक ही शेड मैंने लिया था, तो एक शेड का आपका प्राइस पड़ता है 350 समथिंग। तो अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपना फाउंडेशन को अच्छे से टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। और आप अगर मेकअप कर रहे हो तो हमेशा मेकअप अच्छे से टैप करके ब्लेंड करिए, ऐसे घिस के अगर आप करोगे तो मेकअप जल्दी केकी हो जाता है। तो मैं सजेशन दूंगी कि आप हमेशा अच्छे से अपना मेकअप टैप करके फाउंडेशन को अप्लाई कीजिए, इससे बेस अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो अभी मैं सेम फाउंडेशन एज ए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आज के वीडियो में मैं ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी। तो अभी अपने अंडर आई, नोज़, फोरहेड, चिन और अपर लिप्स में ये फाउंडेशन यूज़ करके मेरा जो हाई पॉइंट है उसको इन्हेंस करूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एक कॉन्टोर, हाइलाइटर, ब्लश, पैलेट। इसमें सब कुछ आ जाता है, कॉन्टोर, शेड, हाइलाइटर, देन पाउडर। इसके मदद से ही मैं आज का पूरा मेकअप कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो सेम प्रोडक्ट से अभी मैं वाइट कलर को लेके अपना बेस को सेट कर रही हूँ अच्छे से। तो अब मैं कॉन्टोर शेड लेके अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। मैं बहुत ही हल्का कॉन्टोर करने वाली हूँ आज क्योंकि मैं आज का लुक बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ। तो
अभी मैं अपना नोज़ पे भी थोड़ा कंट्रोल करूँगी क्योंकि मेरा नोज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इसको थोड़ा ठीक करने के लिए कोशिश कर रही हूँ अभी। तो अभी मैं बहुत ही हल्का ब्लश अप्लाई करूँगी अपने गाल पे, थोड़ा नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी और थोड़ा चिन पे भी। तो ब्लश अप्लाई करने के बाद सेम पैलेट से हाइलाइटर शीट को लेके अपना फेस को हाइलाइट करूँगी। मैं अभी हाइलाइट को थोड़ा ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर पे भी यूज़ करूँगी अपना। अभी मैं सेम पैलेट से ये वाला कलर लेके अपना आईलिड पे थोड़ा अप्लाई करूँगी कि मुझे थोड़ा सा एक पीच सा मुझे कलर चाहिए था, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी आई शैडो अप्लाई करने के बाद मैं पेन आईलाइनर की मदद से अपने आउटर कॉर्नर में एक विंग आईलाइनर शेप दे रही हूँ। तो उसके बाद मैं अपने आईलैश के एकदम पास से थोड़ा थोड़ा आईलाइनर यूज़ करूँगी। अभी सेम तरीके से मैं अपना दूसरा आई पे भी आईलाइनर लगाऊँगी। तो आईलाइनर लगाने के बाद अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का क्लोसल मस्कारा। मस्कारा अप्लाई करने के बाद अभी मैं मेबेलिन का लिपस्टिक यूज़ करूँगी। मुझे ये लिपस्टिक पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी लिपस्टिक लगाने के बाद मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका था। तो पूरा मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैंने एक सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था, वो क्लिप में नहीं दिखा पाई, मतलब तब शूट नहीं ले पाया मैं। तो इसलिए आप मेकअप करने के बाद एक सेटिंग स्प्रे के मदद से अपने मेकअप को सेट कर लीजिए, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अभी मैं लास्ट एक बिंदी लगाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा था एक बिंदी लगाने से अच्छा लगेगा, तो मैं आईलाइनर की मदद से एक बिंदी लगा रही हूँ छोटा सा। तो अभी बिंदी लगाने के बाद मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट मेकअप के बाद मुझे तो पर्सनली ये वाला लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। शाम सुबह इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या।